विज्ञान कहता है कि एक छोटे से तितली के पंख फड़फड़ाने से आंधी और तूफान की शुरुआत हो जाती है। कुदरत का निजाम ही कुछ ऐसा है कि धरती पर अगर कोई पत्ता टूटे तो उसका असर हमें सितारों पर नजर आता है। समय का चक्रव्यूह जब घूमता है तब कोसों दूर एक लहर उठती है और वो एक भयानक सुनामी का रूप ले लेती है जो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निकल जाती है। ठीक इसी तरह एक रात खतरा आहिस्ता आहिस्ता दो दोस्तों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन इस बात से अनजान ये दोनों दोस्त एक ऐसे अनचाहे खतरे के करीब जा रहे थे जिसकी एक झलक यकीन मानिए आपके रूह को अंदर से झकझोर देने के लिए काफी है। उनके साथ जो होने वाला था वो हमारे और आपके सोच से कहीं ज्यादा डरावनी है, जिसका सामना इंसान जीते जीतो क्या मरने के बाद भी नहीं करना पसंद करेगा। इसलिए जो आप आज सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उसे देखने के बाद हो सकता है आपकी कई रातें बस करवटें बदलते बदलते गुजर जाएंगी। वह अगर आपने इरादा बना लिया है तो फिर हम शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक आदमखोर बाग से शापित एक गांव सुंदरखाल पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसे आप सबने काफी प्यार दिया। ठीक उसी सुंदरखाल गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मोहान गांव पड़ता है। ये गांव कोसी रेंज का हिस्सा है जो रामनगर वन विभाग के अंदर आता है। साल 1938 में सर जिम कॉर्बेट ने यहाँ मशहूर आदमखोर बाग जिसे दुनिया ने मोहान मैन ईटर का नाम दिया उसका शिकार किया था। ये गांव ठीक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाउंड्री के सामने है। अक्सर यहाँ बाघों के साथ साथ हाथियों के बड़े झुंडों को भी रात में देखा गया है। सुंदरखाल गांव से मोहान गांव के रास्ते के बीच एलिफेंट कॉरिडोर पड़ता है जिसे चिल्किया कोटा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस कॉरिडोर की मदद से एलिफेंट्स कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामनगर फॉरेस्ट डिविजन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहां क्या पड़ता है यानी उसकी ज्योग्राफी को थोड़ा समझना होगा, तभी आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। बहरहाल दूसरी तरफ अगर बात करें नेशनल हाईवे 309 की जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा और गर्जिया सुंदरखाल और मोहान गांव के बीच में से निकलता है, वहां रात को सफर करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर जैसा है। मोहान गांव पहुंचने के लिए हमें धनगरी गेट को पार करके गुजरना पड़ता है जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के मेन जोन डिकाला में एंटर करने का एकमात्र द्वार है। यूं तो सदियों से यहां लोग मोटरसाइकिल और गाड़ियों में रात को गुजरते हैं। मोहान क्षेत्र में कई बड़े रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि पैटलेडन रिजॉर्ट, लेमन ट्री और लेबुआ इत्यादि। इसी के साथ अक्सर रात में पर्यटक नाइट सफारी के लिए भी इस हाईवे पे घूमते हैं और कई बार उन्हें बाघ और हाथी की साइटिंग हो जाया करती है। और यही तो सभी पर्यटक चाहते हैं कि एक बार उन्हें वो चीज दिख जाए जिसके लिए वे जंगल सफारी पर आते हैं। पर 16 जुलाई 2022 को कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहान गांव के लोगों को और कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास रहने वालों की रातों की नींद उड़ा दी। डर और खौफ की चादर में पूरा इलाका लिपट गया। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। पर इस घटना का वर्णन करने से पहले मैं आपको दो और हादसों के बारे में बताना चाहूंगा। 15 जून 2022 को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर मिस्टर खलील ढिकाला जोन के अंदर अपनी मोटरसाइकिल से धनगढ़ी गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन किसे मालूम था कि मौत उनका राह देख रही है। सच कहूं तो खलील साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था। गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिंदगी और मौत के इस जंग में जीत मौत की हुई और खलील मियां इस दुनिया को अलविदा कह गए। वन विभाग के लोगों ने उसके शव को बरामद कर लिया था। इस घटना ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चिंता का विषय छोड़ दिया। वहां रह रहे लोग इस हादसे से उभर पाते कि उससे पहले ठीक एक दिन बाद यानी 17 जून 2022 को मिस्टर बॉबी चंद साहब जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक बीट वॉचर है, वह सरबदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से अपनी बाइक से धनगढ़ी गेट की ओर जा रहे थे। पर बॉबी जी की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंसानी खून के प्यास में डूबा एक बाघ इनका राह देख रहा था और जहां बाघ ने खलील भाई पे हमला किया था
ठीक उसी जगह एक बार दोबारा उसी बाघ ने हमला किया। ऊपर वाले की मेहरबानी से बॉबी भाई बच गए, क्योंकि जैसे ही टाइगर ने उन्हें बाइक से नीचे गिराया, उसी वक्त फरिश्ते के रूप में मोहित भाई, जो कि एक जिप्सी चालक है और 10 साल से लोगों को पार्क में सफारी पर ले जाते हैं, उन्होंने उस बाघ को उन पर हमला करते हुए देख लिया और अपनी जिप्सी सीधे टाइगर के मुंह के सामने जाकर रोक दी, जिससे टाइगर पीछे हट गया। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर मोहित वहां पहुंच गए और उन्होंने मिस्टर बॉबी को घायल हालत में उठाया और जिप्सी में रखा और तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मिस्टर मोहित ने हमारे दोस्त मिस्टर ध्रुव को बताया था जब वे इस मामले की जानकारी के लिए उनसे मिले थे, कि जिस टाइगर ने बॉबी पे हमला किया था वो एक मेल टाइगर था, क्योंकि जब टाइगर ने छलांग मारी थी उसी वक्त उसके जेनिटल ऑर्गन्स हमें दिख गए थे। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही अहम है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। इन दो हादसों से कुछ महीने पहले एक शख्स जो कि मानसिक तौर से बीमार था, उसे भी टाइगर ने अपना शिकार बनाया था, पर उस हादसे पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन दो बाइक इंसिडेंट के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रशासन ने उस टाइगर को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पकड़ने का ऑर्डर जारी किया गया था, ना कि मारने का। भारत में 20 राज्य हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। एक स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 11(1)(a) के तहत एक जानवर को मारने का आदेश तब दे सकता है जब वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि वह जानवर मानव प्रजाति के लिए एक खतरा बन चुका है, या तो वो बीमार है और घायल है जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। सिर्फ ऐसे केस में ही टाइगर को मारने का आदेश दिया जाता है, वरना सिर्फ ट्रैंक्विलाइज ही किया जाएगा। 8 जुलाई 2022 को कॉर्बेट नेशनल पार्क की टीम ने एक फीमेल टाइगरस को ट्रैंक्विलाइज कर उसे कॉर्बेट के ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। उसके डीएनए सैंपल्स और विक्टिम्स के सैंपल्स दोनों को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब में जांच के लिए भेज दिया। इधर टाइगरस को कैमरा ट्रैप्स द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। दोस्तों, एक और अहम पॉइंट सूत्रों के अनुसार यह पता चला था कि इस बाघिन के शावक भी थे, पर घटना के दौरान बच्चों को वहां नहीं देखा गया था। इसके पकड़े जाने के बाद लोगों को यकीन हो गया था कि अब कोई और हादसा नहीं होगा, लेकिन 16 जुलाई 2022 की वो भयानक रात जब मोहम्मद अनस और अफसरुल अहमद रानीखेत से अपने घर अमरोहा वाया रामनगर होते हुए जा रहे थे, तब एक बाघ ने अफसरुल के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना करना भी हमारे दिल में डर को एहसास कराता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप सभी को इन दो दोस्तों मिस्टर अफसरुल एंड मिस्टर अनस के उस दिन की पूरी कहानी बताऊंगा। 15 जुलाई 2022 दोपहर का वक्त था। जुमे की नमाज के बाद दोनों अपने गांव अमरोहा से नैनीताल के लिए निकले। वहां पहुंच उन्होंने एक रूम लिया, खाना खाया और सो गए। अगले दिन यानी 16 जुलाई 2022 सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट खाकर ये दोनों निकले अल्मोरा के लिए। फिर अल्मोरा से ये निकले रानीखेत के लिए। रास्ते में इन्होंने खाना खाया और लगभग 1 बजे दोपहर को ये रानीखेत पहुंचे। आधा घंटा ये रानीखेत में रुके, फिर वहां से चल दिए रामनगर के लिए। रानीखेत से 10 से 12 किलोमीटर आगे जाके उनकी बाइक का पिछला टायर पंक्चर हो गया। 4 से 5 किलोमीटर बाइक को पैदल घसीटने के बाद उन्होंने एक गांव में पंक्चर ठीक करवाया। उसके बाद वो वहां से निकले। मौसम भी काफी खराब होने लगा था और बारिश हल्की हल्की हो रही थी। उस समय रामनगर कुछ 70 किलोमीटर दूर था। मौसम और उनके साथ हो रही घटनाएं उन्हें बार बार आगाह कर रही थी कि उस तरफ ना जाओ, लेकिन इन दोनों को क्या मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला था। वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे थे, माहौल डरावना होता जा रहा था। जंगल के बीचों बीच ये हाईवे था और ये दोनों दोस्त अपनी बाइक से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें हर तरफ से इंडिकेशन मिल रहा था कि आगे मौत है। अनस को डर था कि बाइक का पेट्रोल कहीं खत्म ना हो जाए। बीच में घटना स्थल से 3 किलोमीटर पहले एक होटल पड़ता है, वहां उन्होंने बाइक को रोक के उसका पेट्रोल चेक किया। अफसरुल ने अनस को आश्वासन दिया कि अभी बाइक में 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल है और वो आराम से रामनगर पहुंच जाएंगे। वो लगभग 20 किलोमीटर दूर थे रामनगर से। अनस ने अपना हेलमेट अफसरुल को दे दिया था।
आगे जाके उन्हें एक चौकी दिखाई दी जो कि मोहन पुलिस चौकी थी। चौकी को देखते ही अनस ने अफसरों से हेलमेट मांगी ताकि पुलिस वाले कहीं उन्हें रोक के चालान ना काट दे। उन्होंने चौकी को पार कर लिया और लगभग 800 मीटर आगे जाके एक मोड़ आता है जहां पर टाइगर सीधे झाड़ियों में से निकल के आता है और दोनों को बाइक से गिरा देता है। बाइक की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। टाइगर ने अफसर को गर्दन और कंधे के बीच से पकड़कर तुरंत जंगल में गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ अनस ने सोचा कि अगर टाइगर मेरे पीछे पड़ता है तो मैं नीचे खाई में कूद जाऊंगा। उसने पीछे मुड़के देखा तो ना उसे वहां उसका दोस्त दिखा और ना ही वो टाइगर। ठीक उसी टाइम वहां पे एक आदमी आया जो बाइक पे था। अनस ने उसे बताया कि उसके दोस्त को टाइगर ले गया है और उसे मदद की जरूरत है। अनस बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जाहिर है कोई भी होगा। आप खुद को इमेजिन कीजिए उस जगह पर तो आप महसूस कर पाएंगे कितना ज्यादा डरावना मंजर होगा। रात का समय, चारों तरफ जंगल और सुनसान हाईवे। डरे हुए अनस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह शख्स उसे वहां छोड़ के आगे चला गया। अनस ने अपनी बाइक उठाई और किक मारी। पहले किक में बाइक स्टार्ट नहीं हुई, 3-4 किक में स्टार्ट हुई और वो तुरंत घबराते हुए और शोर मचाते हुए मोहन चौकी की तरफ भागा। चौकी पहुंचने पर उसे फॉरेस्ट स्टाफ और पुलिस वाले दोनों मिले। उसने पूरे हादसे के बारे में उन्हें बताया और तुरंत पुलिस और वन विभाग के लोग उसके साथ 10 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पे सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें अफसरों का बैग और मोबाइल मिला। रात के समय में एक बाघ को ढूंढना मुश्किल तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा खतरा होता है क्योंकि न जाने कब और किधर से बाघ हमला कर दे ये कोई नहीं चाहता। ऐसे में किसी की भी मौत हो सकती थी। साथ ही साथ बारिश की वजह से झाड़ियां भी काफी लंबी और घनी हो गई थी, इसलिए फॉरेस्ट डिविजन के लोगों ने शव को ढूंढने के लिए सुबह का इंतजार किया। सुबह जेसीबी की मदद से झाड़ियों को हटाया गया और अंत में जाके वन विभाग को अफसरों का एक कटा हुआ हाथ मिला। इसके अलावा आज तक उन्हें अफसरों की बॉडी कभी नहीं मिली। इसके बाद फॉरेस्ट डिविजन के लोगों ने मोहन क्षेत्र में कैमरा ट्रैप्स और पिंजरे लगा दिए। साथ ही ड्रोन और हाथियों की मदद से टाइगर को ढूंढा जाने लगा। कैमरा ट्रैप्स में एक मेल टाइगर और एक फीमेल टाइगर दो बच्चों के साथ पाई गई। इसी के साथ ड्रोन शॉट्स के थ्रू एक विशाल मेल टाइगर को भी देखा गया। दोस्तों यहां एक बात गौर कीजिएगा, यह तीनों हादसे केवल बाइक चलाने वालों के ऊपर ही हुआ था। अब मैं अपने पहले पॉइंट पे आना चाहूंगा कि उस टाइगर के बच्चों का क्या हुआ जिसे पकड़ा गया था। दोस्तों हमने यह तो सुना है कि माँ ही अपने बच्चों को जंगल में जीने के तौर तरीके सिखाती है। जब बच्चे 3 से 4 महीने के होते हैं तब वे अपनी माँ के साथ बाहर जंगल में निकलते हैं और जंगल को समझते हैं। माँ को शिकार करते हुए देखकर बच्चे भी शिकार करना सीखते हैं और 8 से 10 महीने की उम्र में खुद से शिकार करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि जब उस बाघिन ने वो दो हमला किए तो बच्चों ने उस चीज को शायद माँ से सीख लिया होगा और ये हो सकता है कि उस टाइगर्स के बच्चों ने इन पे हमला किया हो। मोहन बेल्ट में 6 से 7 टाइगर्स की मूवमेंट पाई गई है। बाहर जो टाइगर्स को लंगड़ी बताया जा रहा है उसके साथ भी बच्चे हैं। शक करना उस टाइगर्स पे भी सही है क्योंकि टाइगर एक इंसान का शिकार तब करता है जब या तो वो बूढ़ा हो जाए, या तो उसके दांत कमजोर हो जाए, या टूट चुके हों, या तो उसे कोई चोट लगी है। साथ ही में जब एक टाइगर्स अपने बच्चों के साथ होती है और उसके टेरिटरी में कोई घुस जाता है तो बाघ उस पर हमला कर देता है और इस दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसे मैन ईटर अटैक नहीं बल्कि एक्सीडेंटल डेथ कहा जाता है। पर यह हादसे तो बीच रोड की है, हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि किलर कौन है, लेकिन जवाब तो डिपार्टमेंट ही देगा। यहाँ मैं अपने दूसरे और सबसे अहम पॉइंट पे आता हूँ कि मोहित भाई ने उस टाइगर को अपनी आंखों से देखा था जो कि एक मेल टाइगर था। इकलौते वही थे जिन्होंने उस बाघ को देखा था। सितंबर के महीने में हैदराबाद से डीएनए रिपोर्ट आती है जो इस बात का खुलासा करती है कि 15 जून को खलील भाई की मौत की जिम्मेदार वही टाइगरेस है जिसे पकड़ा गया था। परंतु इसके पकड़े जाने के बाद सबसे पहला शक इसके बच्चों पे जाएगा। यहाँ दिमाग एक अलग दिशा में सोचने लगता है। कॉर्बेट के इतिहास में बड़े विचित्र केस हुए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सुंदरखाल आदमखोर के केस में जो एक मेल टाइगर था
लेकिन उसके पंजे एक मादा बाघिन जैसे पाए गए थे, इसीलिए डिपार्टमेंट को लगा था कि वो एक फीमेल टाइग्रेस है। कॉर्बेट प्रशासन इस बार कोई भी लापरवाही नहीं चाहता था, इसीलिए इस केस को सुलझाने में वक्त लग रहा था। मैं ये कहूंगा कि अगर उस पहले टाइगर्स के बच्चों ने अफसरुल भाई का शिकार नहीं किया था तो हो ना हो ये कोई दूसरा बाघ या बाघिन है जिसने यह काम किया था। हो सकता है कि बाघ घात लगा के बैठा हो और उसने शिकार कर लिया, लेकिन अगर मैं इसे एक इत्तेफाक समझूं तो एक बार फिर बाइक वाले पे ही क्यों हमला हुआ? ये एक बड़े ही रहस्यमय सवाल है जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। बात सारी यहाँ आके रुक जाती है कि 16 जुलाई की रात का असली कातिल कौन है? डोमिनेंट मेल लंगड़े टाइग्रेस और उसके बच्चे, या फिर पहले वाले टाइग्रेस के बच्चे, या फिर चश्मदीद गवाह मोहित भाई का वो मेल टाइगर? दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 जुलाई के उस हादसे के बाद कोई और हादसा अभी तक नहीं हुआ है और हमारी ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो। इंसान और जानवर दोनों की जिंदगी जरूरी है। इस टाइगर को आदमखोर घोषित नहीं किया गया है NTC द्वारा और उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा, लेकिन इसे पकड़ने का आदेश जरूर दिया गया है। एक टाइगर या लेपर्ड को NTCA के लिखे गाइडलाइंस और CWW के वर्डिट के आधार पर ही आदमखोर घोषित किया जाता है, इसलिए जब तक वन विभाग इसे एक आदमखोर घोषित ना करे, मैं चाहूंगा कि आप सभी इस बाघ को आदमखोर की नजरों से ना देखें। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे मिस्टर ध्रुव, जो हमारे खास दोस्त हैं, उनके चैनल वन माइल एट ए टाइम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी जो मैं आप लोग को आज सुनाया हूँ वो मिस्टर ध्रुव ने लिखा है और इनका चैनल काफी शानदार है। और थैंक यू सो मच गाइस, चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ फैक्ट्स फैलम को भी सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।